अमेठी के जिला अधिकारी को हटाकर राज्य सरकार ने शक्ति का अच्छा संदेश अफसरों के बीच पहुंचाया है। आम लोगों के प्रति सेवा भाव का दावा करने वाले अधिकारी वास्तविक जीवन में कई बार इसका उल्टा करते दिखते हैं। अमेठी का मामला भी ऐसा ही था, जिसमें तत्कालीन डीएम ने शिष्टाचार की सीमाएं लांघ दीं। पुलिस का वाहन डायल 112 केवल 5 मीटर की दूरी पर खड़ा रहता है और एक हत्या हो जाती है। एक एसडीएम यह शिकायत करते हैं तो जिला अधिकारी आपा खो बैठते हैं। वह एसडीएम का कॉलर पकड़ लेते हैं और उन्हें धकियाते हैं। जिस व्यक्ति की हत्या हुई वह एसडीएम का भाई था। ऐसे में सहानुभूति के हकदार एसडीएम के साथ किया गया अभद्र व्यवहार सभ्य समाज में असहनीय कृत्य है। यह असहिष्णुता जिलाधिकारी जैसे प्रशासनिक पद के अनुकूल नहीं। यही प्रश्न सोशल मीडिया पर भी जमकर उछला। बात कालर पकड़ने तक ही सीमित नहीं रह जाती है। जिलाधिकारी ने दबाव बनाकर एसडीएम से यह भी कहलवा लिया कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। बाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया और फिर प्रदेश ने कड़ाई दिखाई। इसके बाद अमेठी के जिलाधिकारी को हटा दिया गया। किसी प्रशासनिक अधिकारी के कार्य व्यवहार में नियम विरुद्ध अनुशासनहीन या अमानवीय कृत्य का कोई स्थान नहीं होता। संयमित संवाद और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार का पाठ पढ़कर आते हैं ये अधिकारी। विडंबना यह कि लोक सेवक के रूप में सेवा में आने वाले इन अधिकारियों को लोग माई बाप, सरकार या हुजूर जैसी उपाधियां देते हैं। फिर ये अफसर भूल जाते हैं कि जिसके साथ वह खराब व्यवहार कर रहे हैं वह किस पीड़ा से गुजर रहा है। ऐसे अधिकारियों को उन पदों से दूर ही रखा जाना चाहिए जिस पर दुख दर्द की शिकार जनता से इनका प्रतिदिन साक्षात्कार होना हो। तैनाती से पहले इनके पिछले क्रियाकलापों का आकलन किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी को हटाया जाना हाकिमों के लिए एक संदेश भी है कि जनता से अभद्र व्यवहार करने पर उन्हें कुर्सी से उतरना भी पड़ सकता है। अधिकारियों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वे सेवक हैं, शासक नहीं। मेलिंडा और मैं दुनिया भर में गरीबी के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मुहिम में हमारा पूरा ध्यान स्वास्थ्य और शिक्षा पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी देश में गरीबी हटाने, अवसरों को बढ़ाने और समृद्धि को लाने में इन दोनों पहलुओं की सबसे अहम भूमिका होती है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में हमें अक्सर स्वास्थ्य और शिक्षा की दयनीय दशा के बारे में सुनने को मिलता है। अब ताज़ा आंकड़ों और उनकी पड़ताल करने के नए तौर तरीकों की मदद से हम इस बात के बारीक विश्लेषण में भी सक्षम हो गए हैं।